प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, आप सबों का अर्जुन स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं अर्जुन प्रसाद यादव आप सबों के सामने क्लास ट्वेल्थ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। अगर आप सब इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, एक नंबर का क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई दिखता है या दिखाई देता है, ठीक ना? तो पहला ऑप्शन है ए नंबर काला, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है पीला। आप अपना आंसर कमेंट करें। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर का देखिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बराबर व्हाट, जी का मान क्या होता है? तो ऑप्शन ए है वही बना रहता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है बढ़ता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर कमेंट करें। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है। याद रखिएगा, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान जो होता है बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर का देखिए, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करें। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर का देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी क्रोमियम और ऑप्शन डी यूरेनियम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट करें। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पाँच नंबर का देखिए, डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? तो ऑप्शन ए है मनोविज्ञान, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी मुद्रा प्रचलन और ऑप्शन डी ध्वनि। आप इसका आंसर कमेंट करें। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन छः नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? पहला ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है लोहे का टुकड़ा, ऑप्शन सी है बेंजीन और ऑप्शन डी है स्वर्ण का टुकड़ा। आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल। निम्न में से किसकी ऊष्मा आधारिता अधिक है? तो जल की ऊष्मा आधारिता जो होती है अधिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर का देखिए, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ए बर्नौली प्रमेय, दूसरा ऑप्शन बी है संवेग संरक्षण, ऑप्शन सी है ऊर्जा संरक्षण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर कमेंट करें। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संवेग संरक्षण। याद रखिएगा, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर का देखिए, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति डैश होती है, क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है सहसा गिर जाती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है बढ़ती है, ऑप्शन डी है वैसी ही रहती है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करें। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वैसी ही रहती है, अर्थात पहले जिस तरह रहती है उसी तरह रहती है, इसमें माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नए नंबर का देखिए, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं
ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो पहला ऑप्शन ए चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, ऑप्शन बी है किसी भी दिन, ऑप्शन सी है प्रतिपदा के दिन और चौथा ऑप्शन है डी पूर्णिमा को। आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिपदा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा के दिन सूर्य ग्रहण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? अधिक ज्वालक किसके द्वारा पैदा होता है? तो ऑप्शन ए है गर्म हवा, ऑप्शन बी है सूर्य की किरणें, ऑप्शन सी है भाप और जिसको वाष्प बोलते हैं, ऑप्शन डी है ये सभी। आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो पहला ऑप्शन ए नंबर है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है वेग और ऑप्शन डी है कोणीय वेग। आप इसका आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन ए नंबर द्रव्यमान। याद रखिएगा संवेग और वेग के अनुपात से किस भौतिक राशि की प्राप्ति होती है? तो द्रव्यमान की प्राप्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का देखिए, लेसर का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है सेमुर क्रे, ऑप्शन बी है टी एच मेमन, ऑप्शन सी है सर फ्रैंक हिटल और ऑप्शन डी है फ्रेड मॉरिसन। आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टी एच मेमन। इसमें कुछ टेक्निकल गड़बड़ी होने के कारण इसमें पहले से ही ऑप्शन ए नंबर रेड हो गया है और ऑप्शन नंबर बी को ग्रीन नहीं कर पाए हैं टेक्निकल गड़बड़ी के कारण। तो उसके बाद याद रखिएगा, लेकिन इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा टी एच मेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का देखिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय व्हाट? ऑप्शन ए है 4 गुनी हो जाता है, ऑप्शन बी 2 गुना होता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी 1/4 हो जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 गुना होता है। याद रखिए यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की झूलने की समय जो होती है ना 2 गुनी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का देखिए, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है व्यतिकरण, ऑप्शन बी है प्रकाश, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है अपवर्तन। आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का देखिए, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवन और ऑप्शन डी विवर्तन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का देखिए, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है विक्षेपण, दूसरा ऑप्शन है बी विवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट करें।
चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। याद रखिएगा साबुन के बुलबुले के चमकीले होने के कारण क्या होते हैं, प्रकीर्णन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का देखिए, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन ए है हेमीकरण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी संघनन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट करें। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है ऑप्शन ए डोमेन, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी गॉस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गॉस। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का देखिए, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी एम्पियर। आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। याद रखिएगा विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है तो एम्पियर होती है। ये आपको सेट 7 था और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर 6 तक का सेट देख लीजिएगा लगातार। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिल